उज्जैन में वारदात कर फरार हुए बंटी बबली को गुना में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें लेने के लिए उज्जैन से पुलिस टीम गुना के लिए रवाना गई है। बता दें कि शुक्रवार को पटनी बाजार स्थित डीएस ज्वेलर्स की दुकान पर सोने की चैन खरीदने ग्राहक बनकर पहुंचे एक महिला पुरुष ने व्यापारी को बातों में उलझा कर सोने की 3 चैन गायब कर दी, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए थे। खाराकुआ पुलिस इसी के आधार पर दोनों की तलाश में लगी हुई थी। इसके लिए पुलिस ने दोनों के सीसीटीवी फुटेज प्रदेश के अन्य जिलों की पुलिस को भेजे थे, जिसके चलते गुना पुलिस ने दोनों महिला पुरुष को कल शाम गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए महिला पुरुष को लेने के लिए खाराकुआ पुलिस की टीम गुना भेजी गई है, जिन्हें उज्जैन लाकर पूछताछ की जाएगी। ये खाराकुआ थाना क्षेत्र के पटनी बाजार में प्रमोद जैन जी की सोने चांदी की दुकान है। उस पर 2 फरवरी को लगभग 2 से 2:30 बजे दिन में एक महिला और एक पुरुष इनकी दुकान पर आते हैं और इनने एक बच्चे को पहनने वाली सोने की चेन उनसे दिखाने को कहा। प्रमोद जैन जी ने उनको चेन दिखाई और कुछ देर बाद उनने बोला कि हमें चेन पसंद नहीं आ रही, ऐसा बोल के वो दोनों काउंटर से चले गए। प्रमोद जैन जी को बाद में ऐसा एहसास हुआ कि जो चेन उनको काउंटर पर संबंधित महिला और पुरुष को दिखाने के लिए दी थी, वो शायद वो लेके चले गए हैं। उन्होंने अपनी दुकान में चेक किया तो वो चेन नहीं थी। उन्हें संदेह हुआ तो उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म किया, आवेदन के साथ में थाने पर आए। तत्काल ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संबंधित सीसीटीवी कैमरेज की जांच की, जो भी वीडियो फुटेज मिले उनसे संबंधित आरोपियों का फोटो डेवलप किया और विभिन्न ग्रुपों पर सर्कुलेट किया था। और पुलिस के द्वारा सर्कुलेट की गई जानकारी के आधार पर आज गुना से फ़ोन आया कि जो आरोपी आपके द्वारा बताए जा रहे हैं वो गुना में पकड़े गए हैं, तो आप अपनी टीम भेजिए। तो उनकी जानकारी के आधार पर थाना खाराकुआ से 3 सदस्यों की एक टीम बना करके गुना के लिए रवाना कर दी गई है और संबंधित आरोपियों को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे माल मसरू का उनसे बरामद किया जाएगा।